everyone, welcome back to my channel and welcome back to yet another makeup related video. तो एक्चुअली आज ना मैं एक दूसरा वीडियो प्लान कर रही थी बनाने का एंड देन मुझे याद आया कि आगे रक्षाबंधन है तो आज फेस्टिव लुक क्रिएट करना तो बनता ही है. तो आज का ये लुक मैं क्रिएट करने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ कफ्स एंड लैशेज का दैट्स सो मी पैलेट. ये पैलेट मैंने आपको दिखाया था, लेट मी शो यू. तो इसी पैलेट को यूज़ करके आज हम अपना आई लुक क्रिएट करेंगे, अपना ब्लश करेंगे, कॉन्टूरिंग करेंगे, इवन अपना ब्राउज भी बनाएंगे. इसके साथ साथ मैं आज शुगर के जो नए ब्रशेस लॉन्च हुए हैं उसको यूज़ करने वाली हूँ अपने मेकअप पे. तो साथ ही साथ में रिव्यू भी हो जाएगा. और जिन लोगों ने ये ब्रशेस चेक नहीं किया है इसके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो. इसके ब्रिसल्स काफ़ी अच्छा है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्लेंडिंग होता है इससे, तो आप चाहो तो इसको भी ले सकते हो. और अभी और टाइम बर्बाद ना करते हुए विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन द वीडियो. तो मेकअप का पहला रूल है टू क्लीन योर फेस एंड देन टू मॉइस्चराइज योर फेस. For moisturizer, I'll be using Color Bar Water Bomb Magic Water Cream. So I'll take one pump of this product. और मैं इसको अच्छे से अपने फेस पे लगा के मॉइस्चराइज करेंगे हम इसको. ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग, इसमें हल्का सा एक फ्रेग्रेंस है और अगर उससे आपको थोड़ा सा दिक्कत है तो आप इसको स्किप कर सकते हो और आपके पास कोई भी मॉइस्चराइजर हो आप उसको यूज करना. सो डन विथ मॉइस्चराइजिंग, आगे बढ़ते हैं, करते हैं अपने फेस को प्राइम. For primer, I'll be using Color Bar Perfect Match Primer. I'll take a gentle amount of the primer और मैं इससे मेरे जहाँ जहाँ भी पोर्स हैं उसको फिल कर लूँगी. तो आपने देखा है मेरे आईज एरिया में बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, तो आज उसके लिए मैं एक कलर करेक्टर यूज़ करने वाली हूँ. एज अ कलर करेक्टर आई विल बी यूजिंग एलिगल प्रो कंसील कलर करेक्टर, दिस इज इन द शेड ऑरेंज. और इसको जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन है मेरा मैं वहाँ अप्लाई कर लूँगी एंड देन हम इसको एक ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे. एक वेट स्पंज लेना है और इसको अच्छे से ब्लेंड करना है. तो ब्लेंडिंग इज डन. मुझे पता है कि मेरा फेस अभी काफी ज्यादा ऑरेंजिश सा लग रहा है, लेकिन हम लोग इसको कैंसिल आउट करने के लिए एक येलो करेक्टर यूज करने वाले हैं. सो नाउ आई विल बी यूजिंग अ येलो कलर करेक्टर फ्रॉम एलेगल. अगेन विद द हेल्प ऑफ अ वेट स्पंज मैं इसको ब्लेंड कर लूंगी. तो अभी जितना भी रेडनेस बचा ना हम लोग फाउंडेशन लगा लेंगे तो वो कवर अप हो जाएगा और बाकी जो कुछ भी रहेगा हम लोग उसको बाद में कंसील कर लेंगे. फाउंडेशन के लिए मैं आज यूज़ कर रही हूँ कलर बार परफेक्ट मैच फाउंडेशन विथ यूवी फिल्टर्स. नाउ दिस इज इन द शेड 001 क्लासिक आइवरी.
अच्छा, ये क्रीम बेस्ड फॉर्मूला फाउंडेशन है, काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी है इसकी। नेवर फॉरगेट टू अप्लाई ऑन योर नेक, क्योंकि अलग अलग दिखेगा वरना आपका फेस और आपका नेक। तो आज मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करने वाली हूँ अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए। मैं हमेशा एक ब्रश यूज़ करती हूँ और वो मैं इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि उससे कवरेज थोड़ा ज़्यादा मिलता है, इससे कम मिलता है क्योंकि स्पंज में काफ़ी ज़्यादा फाउंडेशन अब्सॉर्ब हो जाता है। उसमें एक दिक्कत ये है कि आपको स्ट्रोक्स ज़्यादा नज़र आते हैं जब आप ब्लेंड करते हो ब्रश से, लेकिन इससे ब्लेंडिंग काफ़ी अच्छा होता है। सो लेट्स ट्राई विद अ स्पंज टुडे। सो फाउंडेशन इज डन, कंसीलर लगाते हैं अभी। फॉर कंसीलर आई विल बी यूजिंग स्विस ब्यूटी लिक्विड कंसीलर दैट इज इन द शेड लाइट मोवन नंबर 03। आपने देखा होगा मैं हमेशा ऐसे ही अपना कंसीलर लगाती हूँ, इसको हम लिफ्टिंग टेक्निक बोलते हैं। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि पूरा अंडर आई पे लगाते हैं या एक ट्रायंगल बनाते हैं, दैट इज़ अ रॉन्ग टेक्निक। अगर आपको अपने हाई पॉइंट्स थोड़े से हाईलाइट करने हैं तो आपको इसी तरह से अपना कंसीलर लगाना होगा। तो इससे पहले कि क्रीज आ जाए जहाँ जहाँ हमने कंसीलर लगाया है, हम लोग उसको सेट कर लेंगे। आई विल बी यूजिंग अ बनाना पाउडर फ्रॉम मेकअप रिवॉल्यूशन। आई टेक अ पाउडर ब्रश। हल्के हाथों से करना है, ड्रैग नहीं करना अपने कंसीलर को। और आगे बढ़ते हैं और करते हैं अपना ब्राउज। और ब्राउज के लिए मैं यूज करने वाली हूँ कसन लैशेस का दात्सुमी पैलेट। तो हम लोग ये जो इसमें ब्लैक शेड है, हम ये वाला शेड लेने वाले हैं और इसको अपने ब्राउज पे फिल करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी टेकिंग दिस ब्रश एंड विद द हेल्प ऑफ द स्पूली मैं अपने ब्राउज को पहले कोम कर लूँगी। देन I'll dig into this shade, dust it off, और हम लोग पहले outline बनाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे करके अंदर gaps fill in करेंगे। फिर से हम लोग इसी स्पूली से कोम कर लेंगे ताकि जो भी हमने कलर्स डिपॉजिट किए हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो आई थिंक आप देख सकते हो दोनों साइड ब्राउज में कितना ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है। तो ब्राउज हो गया, अभी हम लोग अपना आई लुक क्रिएट करेंगे और उसके लिए मैं इसी पैलेट से आई विल बी टेकिंग दिस ऑरेंज शेड और मैं एक बिग फ्लफी ब्रश ले रही हूँ, दिस इज अ ब्लेंडिंग ब्रश। एंड हम लोग इसी शेड को डस्ट ऑफ करेंगे एंड आई अप्लाई इट ऑल ओवर माई लिप्स। ब्राउज
ब्राउ बोन के नज़दीक लेके जाना है क्योंकि ट्रांजिशन शेड है और आप जितना ऊपर लेके जाओगे ना आपका लुक उतना अच्छा दिखेगा, वरना वो छिप जाएगा आपके क्रीज के अंदर। सो टेक इट टुवर्ड्स द ब्राउ बोन। After that, I'll be taking a clean fluffy brush और मैं ये जो pink वाला shade है इधर, मैं इसको लगाने वाली हूँ at the mid of my eyelids और उसको मैं थोड़ा सा अपने inner corners की ओर लेके जाऊँगी। दोबारा से मैं अलग सा फ्लफी ब्रश लूँगी क्लीन वाला एंड देन आई टेक दिस पर्पल शेड ओवर हियर और इसको मैं अपने आउटर कॉर्नर्स में थोड़ा सा प्लेस करूँगी और उसको धीरे धीरे उसको टुवर्ड्स द मिड ऑफ माय आईलिड्स लेके आऊँगी। और मैं दोबारा से ये यही वाला ऑरेंज शेड लूँगी, डस्ट ऑफ करूँगी और इसको मैं अपने क्रीज पे लगाऊँगी और उसको थोड़ा सा ज़्यादा डार्क करना है हमको। एंड नाउ आई टेक दिस ऑरेंज शेड विद अ स्मजर ब्रश और मैं इसको अपने लोअर लैश लाइन के करीब लगा के स्मोक आउट कर लूँगी। काजल के लिए मैं लैक्मे आइकॉनिक काजल यूज़ करने वाली हूँ और मैं इसको अपने लोअर वाटर लाइन पे लगाऊँगी। Using Swiss Beauty liquid eyeliner. This is in the shade black. इसका जो applicator है ना वो काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो। इससे आप एक precise सा liner draw कर सकते हो। So now for blush I'll be using the blush brush from Sugar Cosmetics. अभी ये उनका blend trend face brush number 001 है, तो देखते हैं ये कैसा perform करता है। Dust off. आगे बढ़ते हैं और करते हैं अपने फेस को कॉन्टूर। कॉन्टूरिंग के लिए मैं ये डार्क ब्राउन शेड यूज करने वाली हूँ। इसको हम लोग बहुत ही हल्का सा लेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है और मैं शुगर का ही कॉन्टूरिंग ब्रश यूज करती हूँ। ये ब्रश नंबर 003 है। हल्का सा लेंगे, डस्ट ऑफ करेंगे एंड कॉन्टर करेंगे। डन। हाइलाइटर के लिए आई बी यूजिंग मेबेलिन मास्टर क्रोम हाइलाइटर। नाउ दिस इज इन द शेड मोल्टन गोल्ड। हाइलाइटर ब्रश भी हम शुगर का ही यूज करने वाले हैं। लेट्स टेक दिस शेड डस्ट ऑफ। इसी हाइलाइटर से अपने ब्राउ बोन को भी हाइलाइट कर लूंगी। एंड विद द सेम हाइलाइटर आई बी हाइलाइटिंग माई इनर कॉर्नर्स। सेट कर लेते हैं अपने फेस को एंड फॉर दैट आई बी यूजिंग ग्रैंड फिनाले ड्यूई सेटिंग स्प्रे फ्रॉम शुगर कॉस्मेटिक्स। फॉर मस्कारा आई बी यूजिंग
L'Oreal Paris Voluminous Lash Paradise Mascara. लिपस्टिक के लिए आज यूज़ करूँगी शुगर कॉस्मेटिक्स का स्वीट सीक्रेट मैट लिप कलर, दिस इज इन द शेड नंबर 06। फॉर टुडेज वीडियो, आज का ये जो लुक था काफी ज्यादा सिंपल येट स्टनिंग लुक था। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट सेक्शन पे अपना रिकमेंडेशन डाल देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को एंड ऑल्सो टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई हैंडल इज दुशतारा एंड वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीक। टिल देन एंड ओनली टिल देन, बाय बाय।